हाँ, इस वीडियो के अंदर हम मैनर ऑफ कॉल्स के बारे में देखेंगे कि किस तरीके से कॉल्स को हमें किस तरीके से हम कॉल्स को बुलाते हैं एज पर सेबी आईसीडीआर। ये आपने पहले भी देखा होगा अगर आपने आपके पास 11th 12th में भी कॉमर्स दी है, जब हम ग्रेजुएशन के अंदर थे या जब हमने अकाउंट्स का पेपर दिया था एग्जीक्यूटिव लेवल पे भी, वहाँ पे भी जब हम इशू ऑफ शेयर्स का चैप्टर करते थे तो ये चीज़ें हमारे सामने आती थी। तो वही चीज़ यहाँ पे हम थ्योरी में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर इशूअर जो है वो क्या कर रहा है कि सब्सक्रिप्शन जो वो ले रहा है वो कॉल्स के अंदर ले रहा है कि 1 2 3 4 इस तरीके से कॉल्स में ले रहा है, कि एक बारी में पूरा पैसा नहीं ले रहा, वो कॉल्स में ले रहा है कि मैं बुलाऊंगा तब आप बाकी पैसा देना। इफ द इशुअर प्रपोजेज टू रिसीव सब्सक्रिप्शन इन मनी कॉल्स, इट शेल इंश्योर दैट आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मनी इज कॉल्ड विद इन 12 मंथ्स। तो उसको क्या इंश्योर करना है कि जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मनी है वो 12 महीने में आ जाए। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो अगर मैंने एक शेयर के ऊपर 100 रुपये मांगे थे, तो मैं अब मिनिमम मेरे को 2500 रुपये तो पहले एप्लीकेशन के ऊपर लेना पड़ेगा। फिर अलॉटमेंट के ऊपर मैंने कुछ दिए, जैसे मान लो अलॉटमेंट के ऊपर मैंने बोला कि मेरे को 20 रुपये और चाहिए, तो कितने हो गए, ये 45 रुपीज़ हो गए। तो मुझे विद इन 12 मंथ्स बाकी जो 55 रुपये हैं वो भी इस शेयर के लेने पड़ेंगे, ये जो 100 रुपये थे इसके ऊपर। तो यही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है। अभी आप चाहे नेक्स्ट एक थर्ड कॉल बुलाओ या मतलब फर्स्ट कॉल बुलाओ उसके ऊपर ले लो, या आप 2 कॉल्स में बुला सकते हो, फाइनल कॉल बुला सकते हो, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि किस हिसाब से आपको ये 55 रुपये डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो आपको बस ये ध्यान रखना कि वो विद इन 12 मंथ्स आपको पूरे बुलाने होते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट इन द इशू। तो जिस भी दिन आपका अलॉटमेंट की डेट थी उससे आपको विद इन 12 मंथ्स आपको पूरे वो 100 रुपये कंप्लीट करने हैं, यानी कि पूरा आपको अपना अमाउंट सब्सक्रिप्शन मनी का कंप्लीट करना है। इफ़ एनी एप्लीकेंट फेल्स टू पे, और अगर मान लो कोई एप्लीकेंट फेल कर जाता है, जैसे कि उसने पहले एप्लीकेशन मनी दी, अलॉटमेंट पे दी, फर्स्ट कॉल पे दी, सेकेंड कॉल पे दी, फाइनल कॉल पे वो नहीं दे पाता, 10 रुपये देने थे वो 10 रुपये लास्ट के नहीं वो दे पाता, या को फर्स्ट कॉल ही नहीं दे पाता, सेकंड कॉल नहीं दे पाता, तो उस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, अगर जब उसको 12 महीने में हम उसे मांग रहे हैं, तो इक्विटी शेयर ऑन विच देयर आर कॉल्स इन एरियर्स, तो उसके ऊपर क्या रह जाएगी, कॉल्स इन एरियर्स रह जाएगी कि भाई उसको बोला था और वो नहीं दे रहा, अलॉन्ग विद द सब्सक्रिप्शन मनी ऑलरेडी पेड ऑन सच शेयर्स। तो उसने पहले कुछ पैसा तो दिया ही था, 2500 रुपये या 4500 रुपये जो भी थे दे दिए थे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो सब्सक्रिप्शन मनी थी और जो भी अमाउंट उसका एरियर के अंदर था वो सारा का सारा क्या कर लेंगे, फॉरफिट कर लेंगे। इन केस द इश्यूअर हैज़ अपॉइंटेड अ मॉनिटरिंग एजेंसी, लेकिन अगर मॉनिटरिंग एजेंसी इश्यूअर ने अपॉइंट कर रखी है तो फिर ये करने की जरूरत नहीं होती। अदरवाइज हम क्या करते हैं कि उसका जो अमाउंट होता है सब्सक्रिप्शन मनी के साथ साथ उस अमाउंट को जो भी उसने पहले दे रखा था एरियर्स के अंदर उसको क्या कर लेते हैं, फॉरफिट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लो उसने कुछ शेयर पैसा एक्स्ट्रा भी दे रखा था बिना कॉल के, उससे अभी तक हमने 45 मांगे थे, उसने 50 दे रखे थे, 5 रुपये एक्स्ट्रा दे रखे थे, 5 रुपये भी हम उसके फॉरफिट कर लेंगे। तो सारा पैसा उसने जितना दे रखा था वो सारा फॉरफिट कर लेंगे और उसका शेयर को कैंसिल कर देंगे, उसको अब शेयर नहीं देंगे। तो यही चीज़ हमें मैनर ऑफ कॉल्स के अंदर बता रखी है, रेगुलेशन 48 के अंदर सेबी आईसीडीआर के, और कंपनीज एक्ट देखोगे तो वो भी सेम ही चीज़ बोलने की कोशिश करता है। तो ये हमारा मैनर ऑफ कॉल्स हो गया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे अलॉटमेंट प्रोसीजर एंड बेसिस ऑफ अलॉटमेंट। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।